साइक्लोन स्टर्म गुलाब अभी 270 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ गोपालपुर में इसका सेंटर है और इसका अभी मूवमेंट नियरली वेस्टवर्ड ही रहेगा और आज मिडनाइट तक आंध्र प्रदेश एंड हमारा साउथ ईस्ट कोस्ट कोलिंगपत्तनम एंड गोपालपुर का बीच में क्रॉस करने का चांसेस है। क्रॉस करने का बाद इसका 6 आवर्स तक साइक्लोनिक स्टर्म रहने का चांसेस है, फिर सब्सिक्वेंट 12 आवर्स तक ये ग्रेजुअली डिप्रेशन बनेगा। ये हमारा साउथ उड़ीसा एक्सट्रीम साउथ उड़ीसा का थ्रू जा करके छत्तीसगढ़ का तरह जाएगा। ठीक है, ये है हमारा साइक्लोनिक स्टर्म का पोस्ट लैंडफॉल का जो आउटलुक अभी जारी किया है वो है, और इसका इम्पैक्ट में ऑलरेडी हम लोग वार्निंग जो दिया है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। हमारा मेनली विंड एंड रेनफॉल दोनों में ज़्यादा सबसे जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट दो है गजपति एंड गंजाम, उसका साथ साथ हमारा रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी पुरी ये सब डिस्ट्रिक्स में भी रहेगा इम्पैक्ट, नवरंगपुर कालाहंडी कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्स में भी हमारा रेनफॉल का इम्पैक्ट रहेगा। फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना किया है 27 तक फिशिंग एक्टिविटी, और हमारा ऑफशोर ऑनशोर जो भी हमारा अलोंग द कोस्ट एक्टिविटी है पूरा बंद करने के लिए 27 तक बोला है। पोर्ट वार्निंग हमारा गोपालपुर पोर्ट का नियर यहाँ आपका क्रॉस करने का चांसेस है, तो इसलिए गोपालपुर पोर्ट में हमारा हाईएस्ट वार्निंग D7 जारी है और पुरी में T6 डेंजर वार्निंग 6 और सिग्नल नंबर 6 और गोपालपुर में डेंजर सिग्नल नंबर 7। हमारा पारादीप एंड धामरा पोर्ट में इससे कम इफेक्ट रहेगा, इसमें लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 जारी है। और इम्पैक्ट स्टॉम्स हमारा स्टॉम सर्च का जो ये है हमारा ओनली गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ही वार्निंग है, ज़्यादा नहीं होगा 0.5 मीटर तक जाने का चांसेस है, जो वेरी लो लाइंग एरिया है उसमें से आपका इनंडेशन हो सकता है क्योंकि ओनली 0.5 मीटर है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है रेनफॉल एंड विंड का ही विंड का है, रेनफॉल का जो फ्लड वार्निंग फ्लड का रिगार्डिंग जो फ्लश फ्लड वगैरह जो हो सकता है, और रिवर बेसिन जो मेन रिवर बेसिन हमारा है नागा वैली रोशिकुला एंड वंशधरा ये रिवर बेसिन एरिया में ज़्यादा बारिश का चांसेस है, तो इसी रिवर्स एरिया में रिवर वाटर लेवल राइज करने का चांसेस है। और मेनली जो लैंड हमारा हिली एरिया है मेनली मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम कंधमाल ये मेनली हिली एरिया बहुत एरिया है, तो इसमें से लोग कभी कभी क्या करते हैं बारिश के बाद से हमारा केप हिली केप्स में शेल्टर लेते हैं, तो वो लेने ही लेना चाहिए क्योंकि लैंडस्लाइड मडस्लाइड होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हैवी रेनफॉल वेरी हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर अमाउंट रेनफॉल होने से लैंडस्लाइड होने का भी चांसेस है, और हिली ऊपर में थोड़ा सा विंड भी तेज़ रहता है, तो इस समय आपका केप अगर में शेल्टर नहीं लेना है, तो ये एडवाइजरी हमारा उसमें दिया गया है। इसी तरह से हमारा मेनली डैमेज जो है कांचा हाउस का हो सकता है, वॉल कोलैप्स हो सकता है, और ट्री का ब्रांचेस टूट सकता है, अपरूटिंग का चांसेस कम है, उसका बाद से हमारा पावर फेलियर कम्युनिकेशन कुछ हो सकता है कुछ कुछ एरिया में, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ ट्री पावर का वायर के ऊपर फॉल करके वायर टूट सकता है। और फ्लैश फ्लड का तो हमने बोला है मेनली गजपति गंजाम पुरी हमारा रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में ही ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी का है, उसका बिसाइड्स का हमारा आसपास का डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का इम्पैक्ट है।